अरे क्या कर रहे हो? तुमने करंजी बनाने के लिए कहा था ना, मैं बना रही हूँ, तो फिर ऐसे बार बार पास क्यों आ रहे हो? दूर खड़े रहो। मैं क्यों जाऊँ? अरे आदमी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे को डांट रही हो? हाँ, और ये क्या करंजी है? ऐसे बनाते? मैं बताऊंगा, विराट चौहान बताएगा सही जोशी को। डॉक्टर सही जोशी को ये मिल गई रेसिपी। पहले क्या करना है? करेले को उठाए और धोए। इधर करेला किधर है? इधर है। करेला उठ जाओ, आने का टाइम हो गया। क्या कर रहे हो? करेले को उठा रहा हूँ। अरे करेला सो थोड़ी रहा है जो उसे उठा रहे हो। करेले को उठा के धोना पड़ दे। उठा के मतलब उसको ऐसे उठा कर फिर ऐसे धो। मैं भी क्या जो करना है। मुझे लगा सॉरी मिस्टेक हैपेंड रॉन्ग सॉरी वेरी सॉरी। ओके आगे आगे क्या करना होगा? करेले को ऐसे उठाकर धोना और फिर करेले के पेट में चीरा मारते और नमक वाले पानी में डुबोना है ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। अच्छा, पहले करेले को उठाओ निकालो फिर उसके पेट में चीरा मारो। हाँ सही। अच्छा ऐसे बनते हैं करंजी। हाँ दिखे वेरी गुड। Hey, मस्त आइडिया है मेरे पास। वो काकू वाला मस्त वाला आइडिया। हम ना तुमको भी नमक वाले पानी में डुबो देते हैं और ताकि तुम्हारे अंदर की जितनी कड़वाहट है ना सब बाहर निकल जाएगी। एच ऐसे क्या हंसी है तुम्हारी सही। वाकई कितनी मासूमियत है तुम्हारी हंसी में। हो गई बकवास? हैं? इधर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुमको बकवास लग रही? हाँ हाँ दिख रहा है कितने सीरियस हो। हा? तभी तो इतनी ज्ञानवर्धक और अकलमंदी वाली बात कर रहे हो। हा? करंजी की रेसिपी में करेले की रेसिपी बता रहे हो। वेरी गुड। नशा हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? ये करंजी ये ऑटो करेक्ट। ये ऑटो करेक्ट इज ऑलवेज ऑटो रॉन्ग। सीरियसली मिस्टर करेला आप सो जाओ। ना प्लीज वहां जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, वहां दूर से मुझे रेसिपी बताओ। ठीक है दूर से हेल्प करो। आया है कैप्टन आया है। इसमें लिखा है घी यूज करो, घी ले लो और अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, ऐसा लिखा है। मैंने नहीं बोला है। फिर लिखा है निकलो तुम यहां से अभी के अभी। मेरे किचन में घुसने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये रसोई मेरी है, ये पति भी मेरा है और अगर मेरे पति को कुछ खाना है ना तो मैं बना के दूंगी उसे। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट क्या चल रहा है? कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे और तुम मेरी बीवी के साथ ऐसे किटकिट क्यों कर रही हो? तुम्हारा नाम मिस किटकिट है? इधर ही रुको, I'm coming। तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? हाँ सारा गुस्सा सिर्फ मेरे लिए बचा कर रखा है, इसको कुछ नहीं बोलना है। मतलब कोई भी औरत अंदर घुसकर तुम्हारे पति को अपना पति बोलेगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुप रहोगी? अरे गो फाइट। नहीं मतलब आता फाइट नहीं मोर से, गो फाइट। आई एम स्टैंडिंग, मतलब मैं बीच में खड़ा, सॉरी एक मिनट। अरे देखो सही मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो उसको कि
मेरा पति सिर्फ मेरा, बोलो उसको आई एम स्टैंडिंग हियर। देखो भस्त्रलेखा, जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है, लेकिन इस वक्त विराट नशे में है, उसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, हमारी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए बेहतर ये है कि इस वक्त हम सब्र से काम लें। हाँ, मैं सब्र रखूं और तुम फायदा उठाओ, सही है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना कि विराट ने सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ ले आया, सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी बता रहा है, तुम पर प्यार न्योछावर कर रहा है, जान न्योछावर कर रहा है, तुम्हारे कलेजे की तो ठंडक पड़ गई होगी ना। भस्त्रलेखा, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कर देती हूँ, मुझे तुम में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे इस पति में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आई हूँ। और जहां तक रही करण जी बनाने की बात, तो वो अभी मेरी मजबूरी है, बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम मुझे करण जी बना लेने दो। उसको कुछ भी बोलो, उसको बोलो जाने के लिए, ये क्या घुसुर घुसुर करके झगड़ा कर रहे हो, हाँ? ऐसे थोड़ा कुछ बोलो। हो गया झगड़ा? हो गया झगड़ा? हाँ। मैं बाजू में खड़ा हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चला? तुम मुझे रेसिपी बताओ, रेसिपी बता रहे थे ना। इधर ही थी, किधर गई? ओ यस, इधर है फोन मेरे पास। फोन में था मेरे। गई? रेसिपी बताओ। हाँ।